हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। आज मैं एक रिव्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ। हाल फिलहाल में मैंने एक इंडक्शन कुकटॉप ऑर्डर किया था जो प्रेस्टीज का है, उसी का रिव्यू मैं आज करने वाली हूँ। प्रेस्टीज का जो कुकटॉप मैंने ऑर्डर किया था उसका मॉडल नंबर है PIC 20.0, जो मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था। ये पावर सेवर टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और ये काफ़ी अच्छे पैकेजिंग में आया है। इस पर 1 ईयर का वारंटी मिलता है। मैं आगे दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है, पैकेजिंग से खोल लेने के बाद आपको दिखाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। देखिए, धीरे धीरे मैं पैकेजिंग से इसको निकाल रही हूँ। ये बाहर से ऐसा दिख रहा है। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था लगभग 2 दिन में ये मुझ तक पहुंच गया था। इसके साथ में ही इसका वारंटी कार्ड आया है जिस पे उन लोगों ने अच्छे से इसका मॉडल नंबर और यूनिक जो कोड होता है वो मेंशन कर दिया है, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो वारंटी पीरियड रहते हुए तब मैं सर्विस सेंटर में इसको दिखा सकूँ। मुझे यही बात सबसे अच्छा लगा कि काफ़ी अच्छे पैकेजिंग में ये लोगों ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि मैंने जब रिव्यू पढ़ा था तो देखा था कि किसी किसी का तो डिलीवर होने के टाइम पे ब्रोकन डिलीवर हुआ है, ऊपर का कांच टूटा हुआ मिला है। लेकिन लकीली मुझे वैसा कुछ नहीं मिला, अच्छे पैकेजिंग में मिला है ये मुझे। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, देख लेते हैं। पैकेट से निकाल लेने के बाद मैंने इसका प्लग को इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट पे लगा दिया है। इस पर E0 शो कर रहा है ऑन कर लेने के बाद, क्योंकि मैंने ऊपर में कोई भी बर्तन नहीं रखा इसीलिए E0 शो कर रहा है। मैं सारा ऑप्शन चेक कर लेती हूँ कि सारे ऑप्शन में ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें 10 दिनों का जो रिटर्न पॉलिसी रहता है, अगर आपको कोई भी डैमेज प्रोडक्ट मिला हो तो 10 दिन में आप इजीली इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं सब कुछ चेक कर रही हूँ कि सारे फंक्शन ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। इस प्रोडक्ट पे देखिए काफ़ी सारा मोड दिया हुआ रहता है, जो खाना बनाने के टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कुछ दिन यूज़ कर लेने के बाद मैं ये बोल सकती हूँ ये ज़रूर पावर सेवर है। इसके लिए बिग थम्स अप। और अगर आप प्रेस्टीज का एक अच्छा वाला इंडक्शन कुकटॉप ढूंढ रहे हैं तो इसको ज़रूर खरीद सकते हैं।